स्टोल्टनबर्ग ने ऐलान किया है कि युद्ध में यूक्रेन रूस को हरा सकता है। अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों की मदद से जंग को कुछ दिन और जारी रखता है तो जेलेंस्की की जीत पक्की हो जाएगी। वहीं नाटो के इस ऐलान के साथ यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में भीषण हमला किया है। यूक्रेन ने यह हमला रूस के सैन्य अड्डे पर किया। वॉर जोन में जारी बारूदी टकराव को देखते हुए पुतिन ने अपने पूर्वी बॉडीगार्ड को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। पुतिन के बॉडीगार्ड रहे एलेक्सकी ड्यूमिन के नाम से यूक्रेन में तहलका मच गया है। देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध का फाइनल राउंड शुरू। पहुंच रहे हो? रूस की चेतावनी, खूनी जंग से बच कर रहे अमेरिका। सेलेंस्की से आखिरी बदला, क्राइमिया जैसा हमला। पुतिन का बॉडीगार्ड कराएगा वर्ल्ड वॉर। का बारूदी प्रहार जारी है। मिसाइल धमाके से दहल रहे खार्कियो में भीषण संग्राम छिड़ा है। पुतिन के ऑर्डर पर खार्कियो को धुआं धुआं कर रेड आर्मी जल्द से जल्द फ्रंट पर जीत का ऐलान करने के मौके तलाश रही है। रूस के बॉर्डर से महज 24 किलोमीटर दूर खार्कियो का कोई कोना नहीं बचा जहां बारूदी तपिश महसूस न हो रही है। रूस की सेना इस फ्रंट पर पूरा जोर लगा रही है। ड्रोन से आसमानी अटैक हो रहा है। जंगी जेट से बारूदी गोले बरसाए जा रहे हैं। टैंक और मिसाइल की बौछार भी जारी है। रूस की मिलिट्री जमीनी ऑपरेशन को ज्यादा जोरदार बना रही है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से थर्रा रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के गढ़ में घुसकर हमले की डिमांड भी कर डाली है। मगर आर पार के इस युद्ध में यूक्रेन का बचना मुश्किल लग रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने वॉर जोन का सुप्रीम कमांडर बदलने का ऐलान कर दिया है। Они же это сделали своими руками. Ну, пожинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности. पुतिन अब इस युद्ध की कमान अपने सबसे भरोसेमंद सोल्जर के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ये कोई और नहीं, वही कमांडर है जिसने यूक्रेन से क्राइमिया को छीनकर पुतिन की झोली में डाल दिया था। पुतिन ने अपने उसी बॉडीगार्ड को रूस का एडवाइजरी स्टेट काउंसिल का सचिव बना दिया है। पूरे यूक्रेन में ये एलेक्सी ड्यूमिन के नाम से कुख्यात है। प्रेसिडेंट पुतिन अपने पूर्व बॉडीगार्ड एलेक्सी ड्यूमिन को सलाहकार राज्य परिषद का सचिव नियुक्त किया है। ड्यूमिन को स्टेट काउंसिल में नियुक्त करने से जुड़ा आदेश बुधवार को क्रेमलिन के वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया। पुतिन ने एलेक्सी ड्यूमिन को रक्षा उद्योग की देखरेख का जिम्मा भी सौंपा है जिससे एलेक्सी मॉस्को के टावर को कंट्रोल कर पाएंगे। एलेक्सी ड्यूमिन को 71 साल के इगोर लेविटिन की जगह जिम्मेदारी सौंप कर पुतिन ने कई संकेत दिए हैं।
पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस में पुतिन राज कायम रखने के साथ एलेक्सी को सबसे बड़ा टास्क यूक्रेन युद्ध का सौंपा गया है। ये टास्क है यूक्रेन को क्राइमिया की तर्ज पर जल्द से जल्द जीतना है। एलेक्सी के वॉर फ्रंट पर एक्शन में आने से अब युद्ध का माहौल और भीषण होने जा रहा है, क्योंकि एलेक्सी ही क्राइमिया वॉर के मास्टरमाइंड रह चुके हैं। एलेक्सी की उस वॉर कुंडली को देखने से पहले ये भी जान लीजिए कि पुतिन अपने बॉडीगार्ड को उत्तराधिकारी भी बना सकते हैं, क्योंकि पुतिन एलेक्सी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के ऑर्डर पर एलेक्सी ने कई बड़े कारनामे पहले अंजाम दिए हैं। ऐसे में यूक्रेन युद्ध में बारूदी तहलका मचने की पूरी गारंटी एलेक्सी को दी गई है, क्योंकि 6 लाख से बड़ी रूसी फौज अब तक यूक्रेन को झुका नहीं पाई है। यूक्रेन में रूस के करीब 6,17,000 सैनिक लड़ाई में शामिल हैं। इस युद्ध में करीब 3 लाख लोगों को सेना की सेवा में बुलाया गया। युद्ध काल में 4,86,000 रूस के जवान पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट सोल्जर बने हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध में अब तक 3,15,000 रूसी सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। यूक्रेन से युद्ध में अब तक रूस को सिर्फ घाटा हुआ है, जान का माल का भारी नुकसान झेल रहे पुतिन इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में हैं। वजह अमेरिका और नेटो फोर्स का बढ़ता प्रेशर है। अमेरिका और नेटो देशों की तरफ से बार बार पुतिन को वार्निंग जारी की जा रही है। हाल ही में युद्ध को भड़काने के लिए पोलैंड को निशाना बनाया गया है। रूस ने साफ साफ चेतावनी देते हुए यूक्रेन युद्ध को वर्ल्ड वॉर में भड़काने के आरोप पोलैंड पर लगाए हैं। पोलैंड ने यूक्रेन का साथ देते हुए रूस के भीतर घुसकर हमले की इजाजत का समर्थन किया है। अगर यूक्रेन की तरफ से रूस में एक भी धमाका हुआ तो पुतिन के परमाणु हमले शुरू होने तय हैं। посредством радиоэлектронной борьбы и разведки в 15 раз. По боеприпасам и средствам поражения в 14 раз. По автомобилям в 7 раз. Посредством индивидуальной бронезащиты в 6 раз. По авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам в 4 раза. По бронетанковому вооружению почти в 3,5 раза. Nuclear attack ki Alexei ke paas kitni power hai, lekin Putin ne Alexei ko full force di to yakeen maanne ki Ukraine yuddh ka rukh badal jayega, क्योंकि एलेक्सी ट्यूमिन ऐसे फाइटर हैं जिन्हें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए। युद्ध में जीत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार एलेक्सी पश्चिमी देशों पर हमले से भी नहीं हिचकेंगे। ऐसा हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और जम्मू का